नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बमबम झा, सुपुर कुमार के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत छठे चरण की चुनाव जो 3 नवंबर को होनी है, इसी क्रम में बाराहाट प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाला सौंढिया पंचायत दक्षिणी से मुखिया पद के कर्मठ, सुयोग, लोकप्रिय एवं समाजसेवी, शिक्षित, ईमानदार उम्मीदवार राम कुंड ठाकुर परिहार के सामने खड़ा हूँ। बेहद ही ईमानदार, गरीब परिवार से आते हैं यह उम्मीदवार। निहायत ही अपने जनता के लिए, अपने इस सौंढिया दक्षिणी पंचायत के जनता के लिए बिल्कुल कहा जाए तो समर्पित है, और इसी समर्पण की भावना से यह मुखिया पद पर खड़े हुए हैं। अगर मुझे यह सीट मिलती है, मैं पहले से भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने पंचायत के लोगों के बीच जाता रहता हूं। अगर यह सीट मुझे मिलती है तो एक पद आने के बाद मैं और भी अधिक सुचारू रूप से अपने जनता के प्रति काम करूंगा। सबसे पहले मैं इनसे परिचय लूंगा और उसके पश्चात इन्होंने इस पंचायती चुनाव के अंतर्गत अपने पंचायत की जनता के लिए जो इन्होंने एजेंडा तैयार किया है, विकास के किन किन मुद्दे पर ये काम करेंगे, जो इन्होंने एक पैमाना बनाया है, इसके बारे में जानकारी लूंगा। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामकुंड ठाकुर परिहार है। आप किस गांव से हैं? सिरमा टीकर से। और आपका पंचायत? सौंढिया दक्षिणी। प्रखंड? बाराहाट। जिला? बांका। जब मैं आपके सौंढिया दक्षिणी पंचायत का भ्रमण कर रहा था, हमारी टीम जब घूम रही थी, तो आपका भी नाम आया श्रीमान, एक मुखिया के सशक्त उम्मीदवार के रूप में। तो आप ये बताइए, अगर आपकी जनता, जो महिलाएं, जो बच्चे, जो युवा हैं आपके पीछे, अगर आप अपने पंचायत में मुखिया के रूप में आते हैं, इस पद से जब आप सुशोभित होइएगा, तो इस पंचायत की जनता के लिए क्या क्या काम करिएगा? मैं पहला काम, जन नल योजना बिल्कुल दैनिक है, इसमें सुधार लाऊंगा। जी। दूसरा है, नली गली में बहुत अधिक घपलेबाजी है, इसमें सुधार लाऊंगा। बहुत अच्छी बात। तीसरा में है, 3 तरह की पेंशन योजना, वृद्धा, विधवा और विकलांग के लाभुकों को चुन चुन कर लाभ दिलाऊंगा। बहुत अच्छी बात। जितने भी गरीब जमीन हीन लोग हैं, उन्हें आवास योजना दिलाऊंगा। दूसरा है, नली गली में बहुत अधिक घपलेबाजी है, इसमें सुधार लाऊंगा। बहुत अच्छी बात। तीसरा में है, 3 तरह की पेंशन योजना, वृद्धा, विधवा और विकलांग के लाभुकों को चुन चुन कर लाभ दिलाऊंगा। बहुत अच्छी बात। जितने भी गरीब जमीन हीन लोग हैं, उन्हें आवास योजना दिलाऊंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से सुधार कराऊंगा। पांचवा है, पंचायती राज के अंतर्गत जितनी भी योजना सरकार के द्वारा आती है, उस पर मैं विशेष रूप से ध्यान देकर अपने इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। छठा है, वर्तमान पंचायती राज के अंतर्गत जितनी भी विसंगतियां है, उससे मैं निजात दिलाऊंगा। इन्होंने एक अपना एजेंडा तैयार किया, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से जलल योजना के तहत जो विसंगतियां आई है पंचायती राज के अंतर्गत, इस पर इनका मुख्य मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का इनका विशेष प्रयत्न रहेगा। इसके अलावे जो गरीब हैं, जो जमीनहीन लोग हैं, इन्हें ये आवास योजना से लाभ दिलाएंगे, आवास योजना मुहैया करवाएंगे। इसके अलावे जो 3 पेंशन योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, इसके जो लाभुक हैं, जो उचित लोग हैं, उन्हें यह लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावे और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, सड़क है, नली है, गली है, बहुत सारी महिलाओं का जो पोषा आहार वगैरह है, प्रसूता महिलाओं के लिए, इन सब में जो विसंगतियां हैं, इनको ये दूर करेंगे और अपने पंचायत को विशेष रूप से आदर्श गांव का दर्जा दिलवाएंगे। बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये मुखिया पद के रूप में खड़े हुए हैं। इन्हें इस बार बैगन छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 6 पर है।
क्रमांक संख्या 6 पर है, बैगन छाप, और रामकुंड ठाकुर परिहार जी ने अपने पंचायत के पूरी जनता के लिए अपना समर्पित भाव, समर्पण का भाव दिखाया है। पूरी जनता इनके साथ लगी हुई है, विशेष तौर पर युवक और महिलाएं इनके पीछे हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने जनता के लिए सोच रखा है। भविष्य की गर्त में क्या छुपा है यह कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन आने वाला समय, चूंकि इस बार बिहार के इस पंचायती चुनाव में 80% से अधिक नए चेहरे आ रहे हैं, उसी नए चेहरे में इनका भी चेहरा छुपा हुआ है या नहीं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।